बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अच्छा आज के दिन की ये मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको अपलोड करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि जो आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो स्पेशल कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसके बाद जो स्टॉक मार्केट ने में बहुत डाउनफॉल आया, तो वो मैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको क्विक एक ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि वो क्यों इतनी जल्दी स्टॉक एक्सचेंज नीचे की तरफ गई है। अब जो इन्वेस्टर होता है ना स्टॉक एक्सचेंज में, जो लेट्स सपोज जिस तरह से आप शेयर्स ख़रीद लेते हैं तो आप उन स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर बन जाते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है और वो जो काफ़ी सारे रिस्क देख रहा होता है मार्केट में, स्पेशली जो पॉलिटिकल रिस्क होता है। आपने देखा होगा जिसमें गवर्नमेंट चेंज होती है या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आगे पीछे होती है, तो वो फ़ौरन से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे होती है ज़्यादातर। अगर वो ऐसी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो किसी भी मुल्क की अगर नीचे की तरफ गई, जिसमें पाकिस्तान की ये परवेज़ मुशर्रफ का डिसीजन आने के बाद एक ये जो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक क्लैश आने का ख़तरा है, तो इन्वेस्टर थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के वो किसी और जगह पर ले जाता है। तो अभी इसी तरह जिस तरह से आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो डिसीजन आया है 19 दिसंबर को, तो 19 दिसंबर 2009 को जो ये जो एक डिसीजन आया है कि उनको फांसी की सज़ा हुई है, और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद नहीं किया उस डिसीजन को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी इस पर कमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ISPR की तरफ से भी आया है। तो फौरन से जो आज आप अगर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जाके अगर आप शेयर्स की जो ट्रेडिंग हो रही है उनको जाके देखें, तो जब 5 बजे या 4 बजे मार्केट 4-5 बजे मार्केट क्लोज़ हुई है, तो उसमें काफ़ी सारा डाउनफॉल आ गया था। तो अभी मेरे पास वो जो एक एप्लीकेशन, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी रिकमेंड की थी कि अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इन्वेस्टिफाई स्टॉक्स के नाम से। ये पाकिस्तानी एक स्टूडेंट है, उसने ये एप्लीकेशन बनाई थी, IBA के स्टूडेंट थे, उन्होंने बनाई थी। तो वो इसमें आप मार्केट को पूरा सर्च कर सकते हैं। अभी मैं उसी को ही देख रहा हूँ कि आप किस तरह से उस मार्केट को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को देख सकते हैं। अभी तो खैर मार्केट क्लोज़ हो चुकी है, अगर आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो तो ये जो रेड कलर के आपको, ये आज की मार्केट की सिचुएशन है। ये जो रेड कलर के आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये मार्केट नीचे की तरफ गई है। ये एक सेकंड में आप लोगों को ये आपको शो कर रहा है कि ये मार्केट नीचे, जूँ जूँ मैं इसको ऊपर करता जा रहा हूँ, ये सारी कंपनीज जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ये उनके शेयर्स की। अब आप कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देख रहे होंगे जो जिनका शेयर ऊपर गया हो, या जिस अगर ये शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी जिस तरह से इन्वेस्टर, जिससे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये ग्रीन सिग्नल आ जाएगा आपको। ये जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ तो ये रेड हुई हुई है, ये आज की जब मार्केट क्लोज हुई है ये तब की सिचुएशन है। तो मैं लिंक में वो जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें लिख दूंगा कि आप लोग इस एप्लीकेशन का नाम लिख दूंगा, आप लोग भी डाउनलोड करें, मार्केट को वॉच किया करें कि कैसे ऊपर नीचे हो रही है मार्केट। तो ये जो डिसीजन आया है स्पेशल कोर्ट का मुशर्रफ के लिए, मुशर्रफ को जो फांसी की सज़ा हुई है, उसके बाद आप जितने भी शेयर्स आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, या कोई ट्रेडिंग की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आप गूगल कर लें उसको, जिस पे सारे शेयर्स की प्राइसेस आ रही होती हैं, तो आज की अगर आप देखेंगे तो किसी भी कोई सिंगल एक दो कंपनीज है जिनका माइनर सा ऊपर गया है शेयर, लेकिन बाकी सारी कंपनीज का शेयर नीचे गए हैं। और अगर आप आज के जो KSE 100 इंडेक्स को आप सर्च करेंगे, जो ओवरऑल आपकी मार्केट को बताता है कि आज कैसी सिचुएशन रही है, तो ये एक्सप्रेस ट्राइब्यून की मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ, मार्केट वॉच KSE 100 एडवांसेस एंड एमिड वोलेटाइल ट्रेडिंग, और इसके नीचे लिखा हुआ है KSE 100 इंडेक्स 948.34 नीचे आया है आज की डेट में। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स नीचे आई है,
वो सिर्फ और सिर्फ ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ का ये जो डिसीजन आया स्पेशल कोर्ट का, उसके बाद जो मार्केट में जो सेंसिटिव इन्वेस्टर्स था जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, उसने अब फौरन से अपनी इन्वेस्टमेंट उठा ली, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई है। तो ये चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताने का मकसद यह है कि ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट, जिस आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन को देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। उसके बाद कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से सिक्योरिटी के कोई इश्यूज आ जाते हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट, जिस तरह बम ब्लास्ट या इस तरह का कोई इशू आ जाता है, तो उसकी वजह से भी इन्वेस्टर बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी से उठाता है तो कंपनी की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये एक एक सिग्नल होता है आप लोगों के लिए कि ये अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज नीचे आएगी। और इसी तरह कोई सेक्टर अगर ग्रो कर रहा होता है तो स्टॉक एक्सचेंज उस या वो सेक्टर काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। जिस तरह से लेट्स सपोज अगर आप एक सेक्टर उठा लेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऊपर जा रही है तो जो आपका सीमेंट सेक्टर होगा, अगर आप उसको इन्वेस्टिफाई स्टॉक्स के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे, उसमें आपको सेक्टर वाइज भी सारा बता रहे होते हैं। तो अगर आप वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट आ रहा होगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अगर पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो सीमेंट की कंपनीज रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो ऑटोमेटिकली उनका शेयर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा या पॉजिटिव उसमें ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा बिल्कुल कि एक 5-5 रुपये का शेयर है तो कल 10 रुपये का हो जाएगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होगा वो शेयर। तो जिस सेक्टर में अच्छे कंडीशन होती है तो वो सेक्टर ग्रो करता है। तो ये जो पॉलिटिकल कंडीशन है ये मेन आप एक सिग्नल समझ लें, जिसको आप देख के एक इंडिकेशन होती है आपके लिए कि जैसी कंडीशन है आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, कम करनी है, इन्वेस्टमेंट अपनी निकालनी है, जिस तरह से भी उसको आप पॉलिटिकल रिस्क, आपने पॉलिटिकल कंडीशन लाजमी देखनी होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में चीज़ें बताया करूँ। तो ये अभी नई वीडियोज़ हैं तो मैं यही आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग एक तो सब्सक्राइब करें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे पास जितना भी नॉलेज हुआ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज के अभी के लिए इतना ही है। मैंने इस दूसरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को पॉलिटिकल रिस्क का बता सकूँ। तो चलें, ठीक है, अल्लाह।